नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा के शो पर जरूर जाते हैं। एक एपिसोड में तो कपिल ने अपने शो को अक्षय कुमार का ही शो बता दिया था, लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि वो फिल्म बच्चन पांडे के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में नहीं जा रहे हैं, जिसे लेकर कपिल शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दी है। उन्होंने इसे महज एक अफवाह बताया है। कपिल ने लिखा, मेरे प्रिय मित्रों, मैं अक्षय पाजी और मेरे बारे में मीडिया पर चल रही खबरें पढ़ रहा था। मैंने पाजी से बात की है और सब कुछ साफ हो गया है। ये केवल एक गलत फहमी थी। सब ठीक है और हम सब बहुत जल्दी बच्चन पांडे के एपिसोड के लिए शूट करेंगे। वो मेरे बड़े भाई हैं और मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। बता दें कि अक्षय कुमार आखिरी बार अपनी फिल्म अतरंगी रे के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में आए थे। इस एपिसोड में कपिल ने एक्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लेकर एक सवाल कर लिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने चैनल से अनुरोध किया था कि वो इस हिस्से को प्रसारित न करें। हालांकि इस एपिसोड का वो हिस्सा बाद में लीक हो गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस बात से नाराज होकर अक्षय कुमार ने कपिल के शो पर जाने से इंकार कर दिया है। हालांकि कपिल ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना महामारी के चलते वैलेंटाइंस डे पर इस बार हर कोई रोमांटिक डिनर डेट, वेकेशन या बाहर जाने से परहेज कर रहा है। ऐसे में घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने वैलेंटाइन को खास बना सकते हैं। वैलेंटाइन वीक में ओटीटी पर तमाम फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही है, जिनमें पहला नाम आता है गहराइयां। दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मोस्ट अवेटेड फिल्म गहराइयां का ट्रेलर रिलीज के बाद से ही हर किसी को बेसब्री से उसका इंतजार है। इसके बाद नाम आता है रक्तांचल 2। ये शो दूसरे सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। सीरीज में निकितिन धीर, क्रांति प्रकाश झा, माहे गिल, आशीष विद्यार्थी, करण पटेल और सौंदर्य शर्मा लीड किरदारों में है। फिर है लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड नेटफ्लिक्स की अमेरिकन सीरीज है। स्टोरी सिंगल्स पर आधारित है, जो चाहते हैं कि वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट किया जाए। फिल्म में डेटिंग के कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है। एक और नाम है टॉल गर्ल 2। पहले सीजन के बाद हर किसी को टॉल गर्ल के दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में अब जल्दी ही इस सीरीज का इंतजार भी खत्म होने वाला है। भारत की राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को भारत ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक एकेडमी अवार्ड्स के 94वें एडिशन की फाइल लिस्ट में इस इंडियन डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में शामिल किया गया है। इंडियन डॉक्यूमेंट्री को रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने निर्देशित किया है। दोनों के करियर की ये पहली डॉक्यूमेंट्री है। राइटिंग विद फायर की कहानी दलित महिला द्वारा चलाए जा रहे भारत के इकलौते न्यूज़पेपर खबर लहरिया से जुड़ी हुई है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे इस अखबार को दलित महिला सामाजिक दायरे से जोड़े रखने के लिए प्रिंट से डिजिटल में तब्दील करती है। इस दौरान उसके सामने जाति और जेंडर से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, इसके बारे में पिक्चर है। फिल्म में एक सेलिब्रिटी डेटिंग ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। ये डेटिंग ऐप राया है, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एल्यूमिनाटी टेंडर के रूप में बताया गया है। इस पर कई सारे भारतीय सितारे भी मौजूद हैं। हालांकि इस ऐप के नियम और शर्तें कड़े हैं, इस पर सभी लोगों को नहीं रखा जा सकता। इसके नियम और शर्त के अनुसार इस पर किसी के प्रोफाइल को स्वीकार अस्वीकार किया जा सकता है या फिर उसे वेटिंग लिस्ट में भी रख सकते हैं। इसके बिना अनुमति के कोई भी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेलिब्रिटी की बात करें तो इनमें जानवी कपूर, वाणी कपूर, नेहा शर्मा, सुनील चौहान, अनुष्का रंजन, लेसा मिश्रा और एक प्रमुख फिल्म निर्माता जैसी कई हस्तियां सदस्य हैं। हालांकि ये ऐप गोपनीयता प्रदान करता है। जो खुद को छिपा कर रखना चाहते हैं वो इस ऐप पर सुरक्षित रह सकते हैं। ये नियमित डेटिंग ऐप जैसा ही है, लेकिन इसकी गोपनीयता की वजह से ये इन सबसे अलग है। स्टार कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया कि उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और पिछले कुछ समय से किसी भी डाइट में नॉनवेज खाने को शामिल नहीं कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि ये फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो एक एनिमल लवर्स हैं, बल्कि इसलिए भी लिया गया है ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे। अनुष्का ने कहा, विराट और मैं इस बारे में बात करते रहते हैं कि कैसे हम प्लैनेट पर बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जगह बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्लांट फॉरवर्ड डाइट अपना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये केवल इसलिए नहीं क्योंकि हम एनिमल लवर्स हैं, बल्कि इसलिए भी कि मांस खाने से प्लैनेट पर प्रभाव पड़ता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।